रजौली विधानसभा क्षेत्र में सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक ही लोग मतदान कर सकेंगे, जबकि नवादा, वारसलीगंज और हिसुआ के अलावा शेखपुरा जिले के बरबीघा विधानसभा क्षेत्र में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान कर सकेंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक एक मॉडल और पिंक बूथ बनाए गए हैं। हालांकि नवादा शहर में 2 मॉडल बूथ बनाए गए हैं, दिव्यांगों के लिए भी मॉडल बूथ बनाए गए हैं। नवादा संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के विवेक ठाकुर, राजद से श्रवण कुशवाहा के अलावा राजद से बागी निर्दलीय विनोद यादव और भोजपुरी एक्टर गुंजन सिंह समेत कुल 8 लोग चुनावी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला 20,10,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार के जरिए करेंगे। नवादा के कन्या इंटर विद्यालय बूथ केंद्र के पास है, यहाँ पे 3 बूथ है और यहाँ पे सुबह से, चूंकि गर्मी का दिन है तो सुबह से लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। और आपको बता दें कि नवादा संसदीय क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं और सभी विधानसभा क्षेत्र में एक एक मॉडल बूथ बनाए गए हैं, एक एक पिंक बूथ बनाए गए हैं और दिव्यांगों के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। क्या नाम हुआ? कुमार अध्यक्षा शर्मा। कितना उम्र है? करीब 89 है। अब तक कितना दफा मतदान किया हूँ? याद नहीं है कितना, जब से शुरू हुआ है मतदान तब से हम दे रहे हैं। मतदान छोड़ते नहीं हैं? नहीं, कभी नहीं छोड़े। दूसरों को भी मतदान करना चाहिए, आपका अपील है? दूसरों को मैंने और लोगों को मतदान करना चाहिए, क्योंकि आप चाहिए ही, ये तो धर्म है, राजधर्म है, ये तो बहुत जरूरी है, यही तो एक पहचान है भारत वर्ष का। आप किस मुद्दे पे मतदान किए? मुद्दा क्या है? विकास। विकास विकास